अपन संस्कृति अपन पहचान मल पहाड़ी छूमि भानो चुफाल मेरा नाम। तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव कि हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी जो है गोट की सफाई करनी है, बकरियों के लिए बेड बन रहे हैं बाहर, बेड बन रहे हैं उनके, उनको मतलब बेड पर बिठाएंगे, मतलब उनके गोट में जो है बेड बिछाएंगे, वो उनके ऊपर बैठेंगे क्योंकि नीचे बैठते थे तो वो जैसे मतलब गोबर वगैरह करते थे या टॉयलेट वगैरह करते थे उनके चिपक जाते थे बॉडी में, तो गंदे हो जाते थे बकरियाँ, तो साफ़ करने में भी दिक्कत होती थी। तो इसलिए जो है बेड बनाए हैं उनके लिए। तो पहले साफ़ करना है गोट, उसके बाद बेड बिछाना, क्योंकि अभी बकरियां जो हैं ग्वाला गई हैं, जंगल गई हैं चरने के लिए, तो उनके आने से पहले वो सारा बेड वगैरह बिछाने हैं। फिर उसके बाद पापा और पंकज के साथ बगड़ जाऊँगी। बगड़ में ताऊ ताई का घर है, पापा जा रहे हैं तो जाने से पहले, दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने से पहले एक बार मिल के जाएंगे, तो इसलिए हम वहाँ जाएंगे। अभी पहले ये काम करते हैं। ये बन रही है बकरियों के लिए चारपाई। अभी बिक जाएंगी क्या सारी? अभी बिक जाएंगे सारी, बन जाएगी आने तक। अभी बकरियां आएंगी, उनसे पहले ये सारे बेड उनके लिए अच्छे से बिछाने अंदर। तो पंकज लाया है गन्ना, इसको पहाड़ी में बोलते हैं रिक। ये भाई साहब बहुत बड़े हैं। तो मैं भी मम्मी दिया है, मम्मी पापा है, राजू ले दिया। इसमें से आधा पंकज खाएगा और पापा खाएंगे। ये तोड़ दिया इसने जी, बड़ा वाला मेरा हो गया फिर। ले मेरा, इसमें तीन करूं दो करूं? तीन कर दे, तीन मैं तो खाऊंगी नहीं ज्यादा। नहीं बहुत मुश्किल है। 1 2 आज का मेरा बिजनेस है गन्ने का, तो मैं गन्ने बेचने जा रही हूँ। गन्ने ले लो, न्या, 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 न्या। मेरे को दे दे एक काम कर। इसने पहले एडवांस पेमेंट कर दी थी, पैसे तो दो। वैसे मैं ही लेके आया इसको तो। न्या, 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 न्या। कितने बचे हैं? 6 गन्ने बचे हैं, 2 दे दिए अभी मैंने। लोग ही नहीं है तो दगड़ियो, किसी ने नहीं खरीदे गन्ने, इतने सारे बच रखे हैं। तो आप लोगों को खरीदने होंगे तो आ जाना हल्द्वानी। अब मैं खाती हूँ, एक गन्ना खाती हूँ, बाकी इतने सारे बचे हैं अभी भी। किससे खोलेगा? तो हम इस औजार से खोदेंगे आज। इससे खोलेगा फिर। बकरियों के गहने खुल रहे हैं, ज्वेलरीज। बकरियाँ आने वाली है अभी, तब तक हमें बकरियों के लिए यहाँ पर खाट वगैरह बिछानी है अच्छे से। बाहर उनके लिए बेड बन रहे हैं, ये खोल रहे हैं कुटियल लेके। इसको बोलते हैं कुटियल। इस बहाने के बाद बकरियों की टट्टी साफ कर रही है ये प्याल। आज बकरियों के लिए बेड बिछने वाला है हमारी, आज बकरियों को बड़ा आराम आने वाला है। तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बकरियों की गोट की सफाई का। जिसके भी गोट में बकरियां ऐसा करती है, वानो चुफाला की सफाई कर देती है। नया बिजनेस शुरू करा है इसने। आज तो बकरियां भी वानो चुफाल की फैन हो जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगी। आज सभी बकरियों से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कराऊंगी। चमका अंगोली इधर उधर बिखर जाएगी भाई। अंगोली को डब्बे में पैक करना है। मेरा असली बिजनेस तो यही था। इतने दिनों से गुमराह करती थी आपको। पहली बार देख लिया मैं बकरियों के लिए भी बेड होते हैं। तेरे लिए तेरे लिए यही सही।
कारपेंटर, इन्होंने सारे 3 बेड बना दिए हैं बकरियों के लिए, देख सकते हैं। अब इनको गोट में रख रहे हैं। तो अभी पापा, मैं और पंकज जा रहे हैं अपने नीचे वाले घर, नदी के पास जो घर था वहाँ पे। मैं भी पापा वहीं रुके, आज हम ऊपर आ जाए। नकली वाली बंदूक लेके जा रहे हैं, शिकारी बनने ज्यादा शिकारी बन रहे हैं गाइस। नकली है ये दगड़ियों, नकली बंदूक है ये। टेप चिपका रखे, खाली फोटो शूट करेगा। नहीं भाई, हवा वाली गन। हाँ, एयर गन है वो, इससे ये मक्खियां और मच्छर मार सकता है। उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो मेरी वीडियोस को लाइक, फॉरवर्ड, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना बंद। जाओ, रुक, एक भारी है। सच में भारी थी, मिस्ते हो गए, कट कर। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, वरना आप गन तो देख ही रहे हैं, मेरे पास कौन सी गन है। दे दे, दब जाएगी इसी के नीचे गई। डर नहीं रहे क्या मुझसे? टेप लगा रखे वो अलग बात है, पर असली है बंदूक, बिल्कुल असली है बिल्कुल। तो कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे को। ओ, नीचे जाना है हमें, आज दूसरे वाले रास्ते से आए हैं हम। यहाँ हमारा एक और घर है वो ऊपर पेड़ों के बीच में, पहले हम यहीं रहते थे। पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, एक व्लॉग मैंने डाला है अपने पुराने घर का। ये दोनों तो चले गए नीचे, मैं भी चलती हूँ। आंवले पापा धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। पंकज वहाँ से बोल रहे हैं, आंवले नहीं गिरते तो मैं गिरा दूँ क्या? इसकी गंध से तो मक्खी भी नहीं उड़ेगी गाइस, पर कुछ भी नहीं उड़ा यहाँ तो, एक पत्ती भी नहीं हिली। पापा आज पूरी जेब भर लेंगे आंवलों से। एक आलू भौंक गया बस, कोई भी नहीं है। हाय, तो यहाँ पे ताऊ है अभी। कहाँ हुए किंदर? एक इंदर ना आ रहे। तो गाइस शाम होने वाली है और मेरे को एक दो रील बनानी थी, बट लाइट की वजह से उतना बन नहीं पाए, प्रमोशनल रील थी। अब हम यहाँ पे रुकेंगे या जाएंगे पता नहीं, दो पिंपल हो गया ऐसे। आज हम यहीं रुक रहे हैं और अभी ताई आई नहीं है, तो पापा जो है सब्जी लेके आ गए हैं। कुमिन, कुमिन बोलते हैं, पेठा बोलते हैं ना पापा इसको, हिंदी में पेठा बोलते हैं और पहाड़ी में इसको बोलते हैं कुमिन हमारे वहाँ। तो पापा अभी वो काट रहे हैं और इसकी सब्जी बनाएंगे हम, अभी इसकी बनाएंगे। तो ताई भी आ गई और बकरियां भी आ गई इनकी। तो गाइस पंकज भी निशाने लगा रहे हैं उस वाले संतरे पर, दिख रहा होगा आपको, तो देखते हैं लगी नहीं लगी, नहीं लगी होगी तो देखते हैं। नहीं लगी पर नहीं लगी, हिला भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, तो मार कर रख गया। ओए हिल, टूट गया ये तो, देख रही, तूने हाथ से क्यों पकड़ा फिर? सीधा हाथ में ही आ गया वो। हाथ से क्यों पकड़ दिया तूने? इसी वाले को मारूंगा, मारूं। तो गाइस ये वाला माल्टा हमारा टूट गया था, तो इसी को इसमें दोबारा ठूस रहे हैं। जाएगा भी ये इसमें, इसमें निशाना लगाने, पहले लगाएगा पंकज, फिर लगाऊंगी मैं। नहीं जा रहा भाई ये तो, कोई बात ही नहीं, यहाँ से चला जाएगा सर, नहीं जाएगा, चला गया। तो उल्टा ठूस, तो दगड़ियों हमने इसको ठूस दिया है, पर हम निशाना इसी वाले में लगाएंगे आज, एयर गन से। अब यार लेजर लाइट लेके आ गया, देखो कमांडो वाली लेजर लाइट, इसके पर लास्ट चांस है यार। आई विश अब लग जाए, शायद कुछ तक हुआ है उसमें, हलचल हुई है गाइस, हलचल हुई है।
संतरे का जूस निकल चुका है गाइस, ये देखो लग चुका है संतरा, पीछे वाव। तो ये एयर गन हम संतरा तोड़ने के लिए लाए थे उसका जूस पीने के लिए, हमने संतरा खा लिया है माल्टा, अब हम कुमेन का हाथ खाएंगे। हाँ गाइस, खुकाल बास लगा रखी है क्या बना रही है तू? तो ये कुमिन, कुमिन बोले तो पेठा अब देखो क्या परफेक्ट आटा गूंदी है इसने, बिल्कुल मस्त, जैसे मेरे को आटा नहीं जैसे मेरे को चाहिए वैसे ही। बढ़िया है, बढ़िया, फिट है, फिट। कितनी रोटी खाएगा पंकज? गाइस मैं रो नहीं रही हूँ, धुआं लगा है। गाइस हमारे बल्द अभी तक आए नहीं है, हमारे बैल अभी आए नहीं है, आने वाले हैं बस, रात को पता नहीं कहाँ चले, वो पार्टी कर रहे हैं कहीं, पौड़ी चल रही है उनकी, तो अभी एक भाई उन्हें लेने गया है, अभी आ जाएंगे हमारे बल्द भी। अभी खाना बनाते हैं, पंकज ने आटा गूंद दिया है, रोटी बना रही है मेरे लिए मैंने हमारे बल्द नहीं आए है, बाघ भी आ रखा है ना, बाघ ना खा दे, एक अंदर गया है बल्द ढूंढने, बड़ा एक भाई गया है बल्द को ढूंढने, बल्द मतलब बैल, चगल्ली में टूटा है बार बार, छेद हो रहा है नहीं हो रहा, अब ठीक हो गया, ठीक है, मतलब आप सही से वो कर दिया होगा उसमें पीछे भर दिया हमने चलो फिर खाते पीते सो जाते हैं अब यहीं। तो दगड़ियों, आज का ये ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी हमने खाना खा लिया है, हम बल्दों को ढूंढने जा रहे हैं जंगल में, अगर कल मेरे व्लॉग नहीं आए तो आप समझ जाएंगे कि भालों ने हमें ढूंढ लिया है, बल्दों को ढूंढते ढूंढते हम गए थे और भालों ने हमें ढूंढ लिया है, तो अगर कल मेरे व्लॉग आ जाएंगे तो समझ जाना हमारे बल्द मिल गए हैं। तो बाय।